नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 और इसके अलावा एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और इसके अलावा आप हमारे साथ तमाम माध्यमों से भी जुड़े रहते हैं, हमारे अपडेट्स भी आपके पास आते रहते हैं। हम तमाम कक्षाओं के जो सत्र हैं वो विषय के हिसाब से आपके लिए लेकर आते हैं, और आज जो है वो है हिंदी का, कक्षा 10 है और जो विषय है उसमें तो हिंदी है, और जो उसमें पाठ आज पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा आनंददायक है, वो है सूर के पद। और सूर के पद आपको पढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर प्रमोद कुमार दुबे जी। आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेज एनसीईआरटी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सूर के पद की जब बात होती है तो इसमें थोड़ी विरह वेदना होती है, लेकिन उसमें वो आनंद जो है गोपियों का, जो श्री कृष्ण का, वो कितने तरीके से, अच्छे तरीके से उसमें लिखा गया है, उसमें जो भाव है वो कितने आनंददायक है, उनको महसूस करना, उनको पढ़ना, उनको समझना कितना आनंददायक होगा, जान लेते हैं सर से। प्रोफेसर प्रमोद, शुरू करें आज का पाठ। तो हम आज सूरदास के पद को अध्ययन का विषय बना रहे हैं। सूर अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस गीत से परिचित ना हो, इस पद से परिचित ना हो जी। हमारा यह जो पाठ है इसकी एक प्रासंगिकता है, इसका एक प्रसंग है। इन दोनों विषयों पर बातचीत होगी, आज की प्रासंगिकता पर, तो वह पाठ के विषय में जब मैं बात करूंगा तब ये बात आएगी। पाठ का जो प्रसंग है, यानी कि सूर का यह जो पद है, वह भ्रमर गीत से संबंधित है। तो भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत की चर्चा भागवत में आई है, यह सच है, लेकिन अष्टछाप के कवियों ने, अष्टछाप के कवि क्या हैं, तो ये 8 कवि हैं जो भागवत से प्रसंगों को लेकर और श्री कृष्ण के, राधा के, गोपियों के, ब्रज के और यशोदा के मार्मिक प्रसंगों को गीत में, ये कविता में, पदों में उपयोग करते हैं। ये पद गेय हैं, यानी गाने के काम में आते हैं, और इन ये तालबद्ध होते हैं, रागबद्ध होते हैं, गेय हैं। इसलिए 8 पहर में श्री कृष्ण की पूजा में, अर्चना में 8 पहर ये गीत गाए जाते थे, अभी भी गाए जाते हैं जी। और ये अष्टछाप के कवि, अष्ट गोपियाँ, अष्ट प्रकृति, इस तरह के संदर्भ हैं जिसका 8 पहर, इनका आपस में संबंध है। तो पहले अष्टछाप के जो कवि हैं, जिसमें सूर, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये 4 तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, क्षेत्र स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये 4 जो थे वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। इन 8 कवियों ने श्री कृष्ण के भागवत प्रसंगों को, भक्ति प्रसंगों को गाया था। इसी में एक बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोपियाँ उनकी यादों में डूबी रहती हैं,
और गोपियों की चर्चा श्री कृष्ण करते रहते हैं। एक बार यमुना में स्नान करके जब श्री कृष्ण आ रहे थे और उनके साथ स्वयं उद्धव जी थे, तो श्री कृष्ण के हाथों में उस यमुना जी में ही बहता हुआ एक कमल था जिसको वो सूंघ रहे थे। उसके सुगंध से बार बार राधा राधा कर रहे थे। तो उद्धव को यह बड़ा ही अजीब लगा कि यह इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े परमात्म स्वरूप सत्ता वाले व्यक्ति को कहाँ तक शोभा देता है कि यह गोपियों का नाम लेता रहे। तो श्री कृष्ण ने समझाया, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, तुलसीदास जी की पंक्ति है, ज्ञान की सीमा होती है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, भाव का कोई बंधन नहीं होता, कोई हद नहीं होता, इसलिए भावातीत होकर आप जिस ब्रह्ममयता को प्राप्त होते हैं, भाव ही उसका आधार होता है। संतों की वाणी है कि भाव बिन सूली चढ़े तो मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव भक्ति के वशीभूत हैं भगवान। इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें देखना है तो उन गोपियों के पास जाओ और देखो कि भक्ति की भावना क्या होती है। उद्धव जी आए हुए हैं, गोपियों से उनकी बातचीत होती है, एक भंवरा उड़ता हुआ जा रहा है, मैंने वही मधुबन में विचर रहा है। तो भंवरे को इशारा करके, भंवरे को उलाहना देकर, उसके बहाने, भंवरे के बहाने गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष करती हैं। तो किस तरह से कटाक्ष करती हैं, व्यंग करती हैं, उसका ये उदाहरण है। ये जो कविता है, तीन कविताएं हैं, इसमें चार हैं, तो वो उलाहनों से अपनी व्यथा और व्यथा के भीतर जो उनकी भक्ति भावना है उसको व्यक्त करती हैं। यह संसार ईश्वरमय है, हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में बार बार कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत्। तो ये जब पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि ईश्वरमय है, तो इसका कोई रचयिता होगा, ना भी हो तो इसमें जो रूप है, सौंदर्य है, भाव है, फूल खिले हुए हैं, वृक्ष हरे भरे वृक्ष लहरा रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, ये सारी जो प्रकृति का वैभव है, इसका जो सौंदर्य है, इसके प्रति ममत्व, ममता का कारण क्या है कि हम इसमें जन्म लेते हैं, इसमें पालित होते हैं, बड़े होते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और शरीर का अंत होता है, इसलिए हम भी प्रकृति के अंग हैं। तो जब प्रकृति के अंग हम हैं और हमारी प्रकृति है, तो आत्मवत सर्वभूतेषु, सब किसी में एक आत्मभाव होना चाहिए। ये भक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है कि वह प्रकृति को, जीव को, जंतु को, सबको ईश्वर का आभास मानती है। अगर मान लो कि इसको हम एक विज्ञान के पक्ष से देखें, तो यह भी है कि अगर हम इस प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो हमें जीवन के लिए शुद्ध वातावरण मिलेगा, सांस मिलेगा, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा और जीवन निरंतर मान रहेगा। आरोग्य से निरोग रहते हुए मनुष्य अधिक समय तक जिएगा, सद्कर्मों को करेगा, शांत निरोग रहना यह भी एक लक्षण है। अभी हो क्या रहा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जी अपना मलबा नदियों में छोड़ रही हैं,
कहाँ ममता है, नदियों से कहाँ प्यार है, नदियों को तो माँ कहा। तो यह भी एक उद्देश्य है कि इसमें जब ईश्वर में संसार देखा जाता है तो प्रकृति से प्रेम होता है, और विज्ञान के पक्ष में भी बातें आती हैं, और इस सृष्टि के प्रति एक हमारी ममता उत्पन्न होती है जिसकी आज जरूरत है। तो इसलिए जो ईश्वर का भाव है, भक्ति है, वह कई पक्षों से महत्वपूर्ण है। सिर्फ यही नहीं है कि हम एक भक्ति काव्य पढ़ रहे हैं, इस भक्ति का एक उद्देश्य है, और वह उस उद्देश्य को हम एक छोटे से पद में आज प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले फिर एपिसोड में बातचीत होगी। उद्धव पहुंच गए हैं और गोपियां उद्धव को उलाहना दे रही हैं, यानी ये कह रही हैं कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो और निर्विकार हो, संसार में लिप्त नहीं हो। पंक्ति आती है कि उद्धव तुम हो अत बड़े भागी, तुम तो अति बड़ भागी हो, माने तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा है। अपरस रहत स्नेह तागाते नाहीन मन अनुरागी, बिना स्पर्श किए, किसका स्पर्श, स्नेह का जो तागा है, स्नेह का जो धागा है, उसका तुम स्पर्श नहीं करते, और ना ही मन अनुरागी, न तेरे मन में किसी के प्रति अनुराग है, प्रेम है, कोई भाव है। पुरैन पात रहत जल भीतर, किस प्रकार, जैसे कमल के पत्ते देखे होंगे, उसको पुरैन कहा जाता है, जो जलाशयों में बिल्कुल थाल की तरह हरे हरे पत्ते होते हैं, तो उस पर जल तो पड़ता है लेकिन पारा जैसे चमकता है, उसी तरह से वह जल उसको भिंगाता नहीं है। तो जल में रहते हुए भी जैसे पुरैन का पत्ता, कमल का दल जैसे भींगता नहीं है, उसी तरह और तारस देह न दागी, उसी तरह तुम्हारे शरीर में भी किसी रस भाव का कोई दाग नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे तेल की, तेल भी जब पानी में डालेंगे ना तो ऊपर बहता है, ऊपर ही रहता है, तेल घुलता नहीं है, क्योंकि वह एक, ये दोनों तेल और वसा और जल दोनों में भेद है, तो तेल कभी जल में नहीं घुलता। उसी तरह कहते हैं कि ज्यों जल माह तेल की गगरी, जैसे तेल की गगरी हो, और बूद न ताको लागी, उसको जल से कोई भी संबंध नहीं होता, उससे कोई भी तालमेल नहीं होता। बूद न ताको लागी, जल में तेल नहीं घुलता, या तेल में जल जैसे अलग रहता है। प्रीत नदी मैं पाऊ न बोरियो, तुमने तो कभी प्रीत की नदी में, प्यार की नदी में, उसके भाव में, रस में कभी पाँव तक नहीं डाला। बोरो मने बोरियो, मतलब बोरना, डुबाना। दृष्टि न रूप परागी, न दृष्टि में कभी रूप का पराग, फूलों में जो चूर्ण होता है, जैसे पीला पीला पराग फूलों में होता है, और भी फूलों के पराग होते हैं, तो फूलों के बीच में जो पराग होता है, दृष्टि पराग, दृष्टि न रूप परागी, तो तुम्हारी नज़र में उस भाव का संस्पर्श ही नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, हम ही लोग भोले भाले हैं, हम ही लोग ऐसे मूर्ख हैं जो गुरु चाटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ में चिट्टियां लग जाती हैं और उसमें समा जाती हैं, डूब जाती हैं, कई बार मर भी जाती हैं, उसी तरह से हम हैं जो इस प्रेम के गुड़ में चिपक गए हैं और निकलना इससे मुश्किल हो गया है। यह सामान्य सा अर्थ है,
इसका अभिप्राय यह है कि जो ज्ञान है और जो भक्ति है, ज्ञान से अभिप्राय है यहाँ पर तत्व ज्ञान से, आत्मा परमात्मा योग, यह जो विषय है जिसमें संसार के प्रति वैराग्य का भाव होता है, उसको इंगित करके, उसको इशारा करके उस पर कटाक्ष किया गया है। दूसरा यह है कि साकार ईश्वर साकार रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में हमारे पास पूज्य होते हैं, पूजा के माध्यम होते हैं और उनकी आराधना होती है। तो जो निराकार ब्रह्म है जिसको किसी ने नहीं देखा, जो अगुण है, उस पर भी यह कटाक्ष है कि जब सगुण रूप में हमारे पास भगवान साकार रूप में, हमारे प्रेमास्पद के रूप में श्री कृष्ण उपलब्ध हैं, तब तुम्हारे उस योग ज्ञान की आवश्यकता क्या है। अंततः इस पूरे योग से जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो वह हमारे पास उपलब्ध है। भावार्थ इसका दूसरे ढंग से भी आप समझने की कोशिश करें, और वो ये है कि जो साकार है और जो निराकार है, ये दोनों तत्व एक ही है। यानी कि कोई वस्तु कल्पना में है कि यहाँ एक घर होता, कल्पना के बाद वह घर चित्र में आया, यानी उसको अपने नक्शा बनाया, नक्शे के बाद क्या किया, कितने ईंट, कितने गारे, कहाँ दरवाज़ा, कहाँ खिड़की होगी, इसकी व्यवस्था की और आपने घर बनवा दिया, तो घर हो गया साकार। जो अव्यक्त अज्ञात अगोचर विषय था, जो मन में ही था, भाव में ही था, उसको आपने मूर्ति बना दिया, उसको आपने आकार दे दिया और सब लोग उसको देख रहे हैं। पूछा जाए ये घर कहाँ था, तो ये घर नक्शे में था। भाई नक्शे में जो घर था वह कहाँ था, तो घर मन में था। तो जो निराकार मन में था उसको साकार किया गया। वैसे ही ईश्वर जब अवतार लेता है और अपने पूर्ण वैभव के साथ, पूर्ण कलाओं के साथ आता है, तो साकार होता है। उसके सारे लक्षण परमात्म रूप में ही होते हैं, यानी उसके जितने लक्षण हैं, जितने जिसनी उसकी शक्तियां हैं, चमत्कार है, वैभव है, वह सारा जितना कुछ है वह अलौकिक होता है। श्री कृष्ण का अवतार भी अलौकिक था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने कारागृह में देवकी और उनके वसुदेव के यहाँ अवतार लिए, प्रकट हुए, फिर एक बालक के रूप में हो गए, फिर उस बालक को उन्होंने ब्रज में जाकर छोड़ा, नंद बाबा के यहाँ छोड़ा, नंद बाबा के यहाँ जो बालिका उत्पन्न हुई थी उसको लेकर चले आए। ये जो कथा है इसमें सामान्य कथा नहीं है, यह अलौकिक कथा है। उस अलौकिक कथा में सुनिश्चित रूप से ही विशेष जन्म की कथा है, अवतार की कथा है। जब जब हो धर्म की हानि, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब भगवान के लिए अत्याचार का के अंत करने का समय होता है, तो उनको अवतार लेना आवश्यक होता है और उनके लिए वही उद्देश्य, जगत की रक्षा का उद्देश्य, धर्म संस्थापना का उद्देश्य अवतार का कारण बनता है। तो यह एक अलौकिक जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, वह जो साकार रूप में उपलब्ध है गोपियों को, तो ध्यान क्यों करेंगी, योग क्यों करेंगी। ज्ञान वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं। भक्ति बड़ी है, तो भक्ति को ही गोपिकाएं बार बार कह रही हैं कि हे उद्धव, ये सब ज्ञान अपने पास रखो,
हमारे लिए तो भक्ति ही पर्याप्त है और भक्ति के उद्देश्य के लिए ही हम इस वृंदावन में श्री कृष्ण की प्रतीक्षारत हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम तो निर्विकार हो, निर्गुण हो, तुमको इस प्रेम के, इस भाव के, इस ममत्व के, नाते रिश्तों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, यही उलाहना है। भ्रमर गीत वस्तुतः ज्ञान का ही नहीं, आप जानते होंगे हिंदी साहित्य में आप परिचित होंगे, दो तरह की भक्ति शाखा है, एक निर्गुण है और दूसरी सगुण है। तो सगुण भक्ति शाखा में श्री कृष्ण की भक्ति और राम की भक्ति आती है और निर्गुण में कबीर हैं, है ना, दूसरे और कवि हैं। तो इसमें जो निर्गुण भक्ति शाखा है और जो सगुण शाखा है, इन दोनों में परस्पर निराकार और साकार के बीच में जो आपस में, भक्ति और ज्ञान के बीच में आपस में जो द्वंद्व है, उसको दूर करने के लिए ही ये गीत लिखे गए, ये पद, इन पदों की रचना हुई है जी। कि जो भावना है वो सर्वसुलभ है और इससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जी। बिल्कुल। प्रश्न प्रश्न फिलहाल तो अभी नहीं है, बच्चे आनंद ले रहे हैं, लेकिन अभी समय की सीमा समाप्त हो गई है, तो हमें ये जो अपना सत्र है ये समाप्त करना होगा। और जैसा आपने कहा था कि ये नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगला सत्र हम फिर करेंगे और अगला सत्र हम लेंगे, है ना जी। और अभी समय भी कम था जी। दूसरा ये है कि तीन पद जो बाकी रह रहे हैं जी, इनका भावार्थ होगा और इस पर सवाल होगा, तो सवाल का उत्तर दिया जाएगा बिल्कुल, और इनके संदर्भों की व्याख्या की जाएगी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रमोद कुमार दुबे जी, आप आए और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जो व्याख्या की है, बहुत ही निर्मल रूप से आपने जो बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। और आप भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, ये सत्र हमारा यहीं समाप्त होगा, लेकिन वेबिनार का हम अगला सेशन जल्द ही लेकर आएंगे, जो कि बेस होता है हमेशा ICT टूल्स पर। हमेशा आपके लिए ये हेल्पफुल टूल्स होते हैं, जिनकी मदद से आप बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए। नमस्कार।